पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट, कुछ देर बाद पीएम का अकाउंट किया सुरक्षित। सीएम योगी ने किया फ्री राशन वितरण महाअभियान का आगाज, 15 लाख गरीबों को होगा फायदा, होली तक मिलेगा फ्री राशन। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, सोनिया राहुल और प्रियंका ने भरी हुंकार, मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर सभी पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से लगी हैं। वहीं सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिशों में जुटी बीजेपी का राज्य में चुनाव अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को एटा पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। यूपी में बीजेपी 22 की सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है। पार्टी हाईकमान लगातार बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। शनिवार को जहां जेपी नड्डा ने मेरठ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर गुरु मंत्र दिया था, वहीं रविवार को एटा में पहुंचकर बूथ अध्यक्षों को जेपी नड्डा ने मंत्र दिया। जेपी नड्डा के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे, जहाँ नड्डा ने एटा के रामलीला मैदान में ब्रज क्षेत्र के सभी 12 जिलों के लगभग 30,000 बूथ अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां वंशवाद में डूबी हैं। ये पार्टियां देश के साथ छल कर रही हैं। कोई जिन्ना के नाम पर पार्टी चला रहा है तो कोई अपने परिवार के नाम पर। आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ भाजपा में ही है। मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है, जो आज सामने नारे लगा रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, वह कल को यहां बैठकर प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। ये ताकत संभव है तो भारतीय जनता पार्टी। सारी पार्टियां वंशवाद के साथ जुड़ी है, वोट बैंक के आधार पर काम कर रही है, जातिवाद के आधार पर काम कर रही है। इस दौरान यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने लोगों की मदद की, लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा कहाँ थे जब राज्य कोविड से पीड़ित था। उस समय आपने देखा होगा, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी गया था, क्योंकि जिन लोगों ने दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया था, उस समय तब मैं आया था फिर। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कोरोना कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कहां थी, और बबुआ के लिए तो कहना ही क्या है। अब जैसे जैसे 22 का दंगल नजदीक आ रहा है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी का हाई कमान यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक कार्यकर्ताओं के साथ जनता को साधने में लगा है, क्योंकि बीजेपी को ये बखूबी मालूम है कि यूपी की सत्ता में अगर दोबारा वापसी करनी है तो जमीनी स्तर पर बड़े दिग्गजों को जरूर उतरना होगा। तभी तो हर दिन यूपी में बीजेपी के महारथियों का जमावड़ा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। गाजियाबाद में कविनगर क्षेत्र के रामलीला मैदान से सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन दिवस पर सड़क सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसको डीएम और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया,
इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह समेत जिला प्रशासन के अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी ने लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। साथ ही इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। जोरदार तालियां दिल्ली पिस्टन राइडर के लिए। लापरवाही से होती है, जनरली यंगस्टर होते हैं वो सोचते हैं अरे क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। तो कुछ नहीं होगा जो कंसेप्ट है वो, बिकॉज देर इज नो सॉरी, देर इज नो कमिंग बैक। तो एक बार जब होता है तो हो जाता है। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, जो 6 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था। आज 12 दिसंबर को उसका समापन था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बाइक रैली के हरी झंडी दिखाकर उसका प्रारंभ किया गया, जो यहाँ महामाया स्टेडियम में आकर समाप्त हुआ। सर, कहाँ से प्रारंभ हुआ था आज? ये रामलीला ग्राउंड कवि नगर से प्रारंभ हुआ था और यहाँ महामाया स्टेडियम में समाप्त हुआ। देखिए, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, जिसका आज समापन था। तो रामलीला ग्राउंड से एक बाइक रैली निकाली, जिसमें प्रोफेशनल करीब 250 बाइकर्स इसमें शामिल हुए। हमारे ट्रैफिक पुलिस के भी बाइकर्स थे और SSP और DM ने खुद बाइक चला करके यहाँ तक आए। और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन में एक मैसेज देने के लिए गाजियाबाद वासियों को कि सुरक्षित चलें, सेफ चलें और हेलमेट सीट बेल्ट लगा कर चलें। आज मैं यहाँ पे रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, जो कि उसका आज एंड है। तो हम लोग यहाँ कवि नगर रामलीला ग्राउंड से महामाया स्टेडियम तक एक बहुत डिसिप्लिन में राइड करेंगे, जिससे कि हम अवेयर कर सके सिटी के सारे पब्लिक को कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम लोगों को सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो सड़क सुरक्षा सप्ताह यहाँ पे मनाया जा रहा है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो निश्चित रूप से न केवल गाजियाबाद वासियों के लिए टू व्हीलर्स पे राइड करते समय या जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है, और प्लस जब हम कोई भी गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं तो निश्चित रूप से हम जो भी ट्रैफिक नियम है या अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो नियम हैं उनके पालन करने का एक अच्छा संदेश गाजियाबाद वासियों के लिए तो जाएगा ही, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा जो है संदेश यहाँ से निकलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः एक बार आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाजियाबाद के लोनी में आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए। वहीं गाजियाबाद से नेटवर्क 10 के संवाददाता यशपाल कसाना ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह से खास बातचीत। चलो चलो इसको बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ। उत्तर प्रदेश के प्रभारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ लोनी पहुंचे हैं, तिरंगा यात्रा जिनके द्वारा निकाली थी, सर बात करते हैं। सर, आप लोनी पहुंचे, क्या कारण? देखिए, तिरंगा या संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का सपना, बेरोजगारी भत्ता देने का सपना, नौजवानों को रोजगार देने का सपना, किसानों को फसल का दाम देने का सपना, ये हम पूरा कर सकते हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो आज लोनी पहुंचे हैं, इन्होंने बताया कि जो संकल्प यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है उसका क्या कारण है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यशपाल कसाना, नेटवर्क 10 गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे। कासगंज तीर्थ नगरी सोनो में लगभग एक महीने तक चलने वाले पौराणिक एवं प्राचीन मार्ग शीर्ष मेले का विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने और उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और क्षेत्र सांसद राजवीर सिंह ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर फीता काटा। बता दें कि सोरो तीर्थ नगरी के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, जहां सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आकर हरकी पैड़ी में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। सोरो में प्रतिवर्ष मार्ग ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है, जो लगभग एक महीने तक चलता है।
के मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि आज ही माननीय योगी जी ने सोनौ जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। तो अब यहाँ पे जो विकास के काम होने उसमें आसानी हो जाएगी। और मैं संस्कृति मंत्रालय के नाते ये कह सकता हूँ कि जो प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे जाएंगे और सभी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये विषय लोकसभा में कई बार हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद मेरे साथी राजवीर सिंह जी ने कई बार शून्यकाल में भी उठाया, कई बार मंत्रियों से भी ये मिले, मैं जब संस्कृति मंत्री बना तो मेरे से भी मिलने आए, आज महेश जी भी साथ ही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल करके सौरों जी का पूर्ण विकास करेंगे। खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई, फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर, 2017 के बाद दिल्ली बस एक घंटे दूर, फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल, फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस, 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है, फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना? यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है, स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2, बायोथीन। दिस एब्सोल्युटली नो पॉलीथीन, एनी एलिमेंट व्हिच इज नॉन डिग्रेडेबल नहीं है कुछ मैम। नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्युबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है ठीक, एग्जांपल ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है तो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वही बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए, स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूल में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोसाइटी की मानो तो औरतों को हमेशा चूज करना पड़ेगा, बड़ी डिग्री
या शादी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए वेरिएंट को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने कोविड की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। एसीपी ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर ये जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान सभी से मास्क लगाने की अपील की गई, साथ ही भीड़ भाड़ वाले एरिया में सभी से मास्क का इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया। लापरवाही बरतने वालों को कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। बिस्रक पुलिस ने मॉल और उसके आसपास भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को जागरूक किया। अलीगढ़ के अत्रोली थाना इलाके के गांव बहराबाद में एक युवक का शव बरामद हुआ। आपको बता दें, युवक का शव अमरूद के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। वहीं हादसे के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रमेश के रूप में हुई। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक और पहल की। प्राधिकरण जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सहयोग से काम करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण मेला आयोजित करने जा रही है। सूरजपुर स्थित शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में होने वाले इस मेले में 48 सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल होंगी। इस मेले में शैक्षिक योग्यता के हिसाब से अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयन होगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रयासरत है। प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण की कोशिशों से और जनप्रतिनिधियों की मांग पर ग्रेटर नोएडा में 4 कौशल प्रशिक्षण विकास केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री के कृषि बिल वापसी के संबोधन के बाद लगातार किसानों की घर वापसी हो रही है, जिसका एक नज़ारा जनपद हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बने ब्रजघाट टोल प्लाजा पर देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर से लौट रहे किसानों का स्वागत किया और लंगर की व्यवस्था की। वहीं जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने बताया कि जिस तरह से कृषि बिल को वापस लिया गया, ये किसानों की जीत और लोकतंत्र की जीत है और इस कृषि बिल वापसी को लेकर बहुत खुश हैं। आज जो हमारे जो किसान आ रहे थे, जीत के मोर्चा आ रहे वहाँ बॉर्डर पे से, उनके स्वागत का ये लिए हमने ये करा है, उनका स्वागत करा। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और थाना सरसावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सरकारी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही इनके पास से 6 ड्रम पेट्रोल, 1 ड्रम डीजल, चोरी में प्रयुक्त 2 कार, 1 ट्रैक्टर और 3 देसी तमंचा बरामद किए। आपको बता दें, सरसावा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, इसके अलावा पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह के खुलासे से कई उपकरण, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने समेत 6 ड्रम पेट्रोल, 1 ड्रम डीजल, चोरी में प्रयुक्त 2 कार इनके पास से बरामद की गई। सरसावा पुलिस एवं जनपद की जो स्वाट टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह गैंग हमारे नेशनल सिक्योरिटी और देश की इकोनॉमी से संबंधित जो हमारी पाइपलाइन है, उसमें चोरी करके एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से ड्रिलिंग करके, उसमें हम गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई भी करेंगे। और इसमें यह बात भी प्रकाश में आई है कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंतर्गत थाना भोपा में ये पेट्रोल पंप चलता था, जिसको बायो डीजल का लाइसेंस था, परंतु वो पेट्रोल और डीजल भी बेचा करता था। अलीगढ़ के अत्रोली कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बग्गी सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के वक्त युवक बराज चढ़ाकर अपने घर लौट रहा था। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जिला पंचायत सदस्य के मुताबिक मृतक के पिता ग्राम प्रधान हैं।
किसका एक्सीडेंट हुआ है? बग्गी चला के ला रहे, बग्गी चढ़ा गए, बारात चढ़ा गए, क्या तुम्हारे लड़के से एक्सीडेंट हो गया? प्रधान जी आगे देख लो। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट में सैकड़ों फ्लैट ओनर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर बाइक और कार रैली निकाली। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बायर्स मौजूद रहे। इन लोगों ने बिल्डर प्राधिकरण और जनप्रतिनिधियों पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। फ्लैट ओनर्स की संस्था निफोवा के तत्वाधान में इस विरोध प्रदर्शन की रैली का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि लंबे समय से बायर्स बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। वहीं इन लोगों ने ग्रेनो वेस्ट में एक मूर्ति गोल चक्कर से कार और बाइक रैली निकाली। इन्होंने बिल्डर प्राधिकरण और जनप्रतिनिधियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर बाइक और गाड़ी निकाली, रैली निकाली, और इस बीच उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। इन्होंने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई मांगों का जिक्र किया। इन लोगों ने ग्रेनो वेस्ट में एक मूर्ति गोल चक्कर से कार और बाइक रैली निकाली थी। हमारे प्रतिनिधि सिर्फ हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं बनते हैं, ये नहीं कि हमारे सिर्फ फेस्टिवल में आए, कल्चरल फेस्टिवल। लगातार हम देख रहे हैं कि बिल्डर की मनमानी हो रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों भी हमारे प्रतिनिधि सामने आते हैं और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस पे चुप क्यों है? ये हमारे कुछ सवाल है जो हम जो प्राधिकरण से करना चाहते हैं, प्राधिकरण से लगातार कर रहे हैं, प्राधिकरण इसके लिए। इस बीच बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मां सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। ट्रक सहित चालक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुजफ्फरनगर से मवाना जा रहे थे ये बाइक सवार। आपको बता दें, सिकेड़ा के मिमलाना रजवाहे पर ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार 3 की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। इसमें मां सहित 2 बच्चों की दर्दनाक मौत होने की खबर है। इस बीच पुलिस ने मुजफ्फरनगर से मवाना जाने वाले बाइक सवारों में से 3 को के शवों को बरामद किया, एक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जिसमें मां और 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं एक घायल बताया जा रहा है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक के साथ ट्रक चालक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुजफ्फरनगर से मवाना की तरफ ये बाइक सवार 4 लोग जा रहे थे, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। सिकेड़ा के मिमलाना रजवाहे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। मुख मंत्री चन्नी वालों सूबे भर विच मिशन क्लीन लागू करन दे आदेश। ऐसी मिशन क्लीन शुरू कर रहे हैं पंजाब दे विच। रेत माफिया नू पाई जावेगी नकेल। रेते बारे च मैं कह चुकिया थानू, रेता सही रेट ते बिकना चाहिदा, ए किसे तरह दा माफिया पंजाब विच नहीं होना चाहिदा। अमन कानून दी स्थिति बरकरार रखण लई वधाई जाएगी चौकसी। नशा बेचण वाले खत्म करने हैं, शराब नजायज बेचण वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। मिशन क्लीन, रेत माफिया दी होवेगी सफाई, शरारती अंसरां दा होवेगा सफाया।